दोस्तों ये देखिए मनी प्लांट है जो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे लगाई थी इस पॉट के अंदर। इसका जो एक नीचे का हिस्सा है एक्चुअली में क्या ये टूट गई थी। जो मेन इसका प्लांट है वो मेरे गार्डन एरिया में है। मैं आपको एक प्लांट और दिखाता हूँ इसका। ये देखिए इस तरह से कटिंग एक जो है एक ब्रांच टूट गई थी, तो उसी ब्रांच के दो टुकड़े मैंने किए थे। एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर लगा दिया। देखिए इस पर जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है और जिस पर पत्तियाँ थी वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो जब मैंने लगाया था तो इसकी पत्तियाँ बहुत ही ग्रीन थी, लेकिन अभी आपको जो है यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है ब्लैक ब्लैक से धब्बे दिख रहे होंगे। इसका रीज़न क्या हो सकते हैं? देखिए इसका रीज़न इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके काफ़ी कारण होते हैं। एक तो जब आप ज़्यादा पानी देते हैं तब भी जो इसमें जो गलने की दिक्कत आ जाती है, और अगर थोड़ा सा जला जला सा भूरा भूरा सा वो धूप की वजह से होता है। लेकिन इसका जो रीज़न है वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कभी भी कोई भी प्लांट में अगर पत्तियों पे कोई रोग आपको दिखे, जैसे कि इस तरह से अगर सिकुड़ जाती है पत्तियाँ या कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो पहले उस पत्ती का आप निरीक्षण अच्छे से करें, पत्ती को अच्छे से चेक करें कि पत्ती पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि देखिए इस पत्ती का अगर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसको जला नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है जिससे कि इसकी पत्तियाँ जो है छन गई है, यानी कि खा गया है कोई पत्ती को, तो आपको इसके नीचे जो इंसेक्ट्स है वो चेक करने होंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके नीचे इंसेक्ट्स कैसे हैं, कैसे कीड़े हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने कीड़े लगे हुए इस पर। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने कीड़े लगे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए इतने कीड़े लगने के बाद प्लांट बेचारा क्या करेगा। देखिए सारी पत्तियां तो ये खा गए और ये क्या पूरे प्लांट में फैल जाएंगे धीरे धीरे धीरे। जो नई पत्तियां निकल रही है देखिए उसमें भी जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी जो है ये लग गए हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे जो इस तरह के निशान हैं, इसके नीचे भी अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे भी कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। ये देखिए इसके नीचे भी है, जहाँ जहाँ पे निशान है वहाँ वहाँ पे आपको ये कीड़े दिखेंगे, और ये जितना फैलते जाएंगे उतना इन पत्तियों को ख़त्म कर देंगे। तो आपके भी अगर मनी प्लांट पे आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देती है तो तुरंत इसका इलाज करना होगा आपको। इसका इलाज एक ही है, या तो आप इन कीड़ों को मैन्युअली हटा दें ब्रश वगैरह से और उसके बाद इस पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप जो इफेक्टेड लीव्स हैं इनको रिमूव कर दें कैंची से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पत्तियों को अच्छे से साफ़ कर दें, क्योंकि अगर एक दो कीड़ा भी इसमें रह गया तो भी जो है आपका प्लांट दोबारा से इफेक्ट हो जाएगा और जो पत्तियाँ हैं दोबारा से ख़राब होने लगेगी। ये जो है पत्ती देखिए कितनी बड़ी है, मेरे हाथ के हिसाब से आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पत्ती है, लेकिन अभी इस पे ये कीड़े लगे हुए थे तो इनको जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा इनको जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं उनको कट करके यहाँ से दूर फेंक दूँगा। तो मैं एक कैंची लेता हूँ और उससे इसको कट कर देता हूँ। तो देखिए हम इसको यहाँ से इस तरह से कट करेंगे जो इफेक्टेड लीव है इसको। ये देखिए कितने कीड़े हैं यहाँ पे, कितने नीचे गिर गए। अब मेरे पास क्या है नीम ऑयल है, मैं वो स्प्रे कर दूंगा उसके बाद तो ये सारे जो कीड़े हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये देखिए कितने तेजी से चलने लगे हैं दोस्तों। ये नीम ओरा और ये मैंने इसमें घोल लिया है। अब जो है इसको हम जो है स्प्रे करेंगे उन पत्तियों पर ताकि जो कीड़े हैं वो ना लगे, और छोटे कीड़े हैं वो क्या है ऐसे हम मैन्युअली हटाएंगे तो भी नहीं हटेंगे तो वो मरेंगे नहीं, तो स्प्रे करना ठीक रहेगा। तो मैं इसका स्प्रे कर देता हूँ और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है फिर। दोस्तों अब जो स्प्रे है वो इस पर हम करेंगे। देखिए इसके बैक साइड जो है कीड़े लगे हैं, यहाँ पे देखिए इस पर स्प्रे कर देता हूँ मैं। अब ये यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे देखिए इसके अंडे भी है बहुत सारे, ये अंडे ही जो है कुछ दिन में ढेर सारे कीड़ों का रूप ले लेंगे। तो इनको हमने मार दिया है, अब मैं थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ थोड़ा दूर से ले लेती हूँ। अब ये कुछ देर में जो है मर जाएंगे। ये नीम ऑयल है इस लीफ पर, और देखते हैं बैक साइड, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन फिर भी हम जो है स्प्रे पूरी लीफ पर कर देते हैं।
ताकि अगर बाई चांस इसमें रह गए तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम ऐसे इस लीफ पर मैं अच्छे से कर देता हूँ। दोस्तों एक जो ये पत्ती है, इस पत्ती पर भी देखिए यहाँ पे तीन चार यहाँ पे है, इस पर भी हम स्प्रे कर देते हैं। ये मर जाएंगे अब, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ताकि नीचे गिर भी जाए। नीचे गिर जाएंगे। एक यहाँ पे है, बाकी स्प्रे कर देते हैं इस पर। ये क्या लीव्स के जो नीचे की साइड है उस साइड ज़्यादा लगते हैं। अच्छे से पत्तियों को दोनों साइड से जो है अच्छे से नीम ऑयल से नहला दें। दोस्तों तो अब ये प्लांट जो है हमारा वो सेफ है। अब जो कीड़े इसमें छोटे मोटे बच भी रहे होंगे तो सारे मर जाएंगे। तो आपके प्लांट भी इस तरह से प्रॉब्लम अगर आपको दिखे तो उसका आप भी इस तरह से इलाज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।